अध्याय छः ध्यान योग श्लोक नंबर 35। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल होने के कारण कठिनता से वश में आता है, परंतु हे महाबाहु कुंती पुत्र, निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। कृष्ण डिवोरीज, अर्जुन ने पिछले दोनों श्लोकों में $1,000,000 क्वेश्चन भगवान जी से पूछ लिया है, जो क्वेश्चन हम सबका क्वेश्चन है। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? यही क्वेश्चन है। अर्जुन ने ये क्वेश्चन सवाल पूछा था कि भाई मेरा मन चंचल भी है, बलवान भी है, अशांत भी है, हठी भी है। भगवान जी, आप बातें तो अच्छी बता रहे हो, बट मुझे आपकी बातें व्यवहारिक नहीं लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मन को नियंत्रण करना कुछ उस प्रकार का है जैसे वायु को नियंत्रण करना। तो एक तरह से उसने हाथ खड़े कर लिए हैं और उसको लग रहा है ये तो बात नामुमकिन सी लगती है। और यही चीज़ हम सबके साथ भी होती है, राइट? कई बार हम स्पिरिचुअलिटी की बातें सुनते हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, वैसे तो बातें बड़ी अच्छी हैं, यार हो नहीं सकता, कलयुग चल रहा है भाई, ये सब थोड़ी हो सकता है अभी। तो भगवान जी ने क्या उत्तर दिया है, देखिए। पहले उन्होंने ये कहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मन को, चंचल मन को नियंत्रण करना मुश्किल ही है। तो देखिए, भगवान ने जब उसको, जिसने ब्रह्मांड बनाया है, उन्होंने खुद बात को एक्नॉलेज कर दिया। ये कोई नहीं कह रहा है, इंक्लूडिंग भगवान, ये आसान है? आसान तो है ही नहीं। ये मन को नियंत्रण करना सही मानिए तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन आप सच में सोचिए कि जिंदगी में आपने कुछ भी अच्छा पाया है तो क्या वो आसानी से प्राप्त हो जाता है? चलिए, आइए स्कूल से शुरू हो जाते हैं। अगर आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, एस्ट्रोनॉट बने, राइट, क्या आसानी से हुआ या बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको? एक तपस्या ही तो थी वो भी। अच्छा, अगर आपने बिजनेस में ग्रोथ की है तो क्या करना पड़ता है आपको? आसानी से ही हो जाता है या उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है? आइए एक लड़की से पूछते हैं, जब उसकी विवाह हो जाता है और उसको अपने घर को, जहां वो 25 साल से रहती थी, उसको छोड़ के दूसरे घर जाके एडजस्ट करना होता है, तो ये क्या आसान है या ये मुश्किल है? अच्छा, ये बताइए, जब एक लेडी प्रेग्नेंट बन रही होगी, आप में से बहुत सारी फीमेल भी मुझे सुन रही होंगी, क्या आसान है? मैं अगर एज मेल से आपसे पूछूं, अगर आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि एक लिक्विड आपकी बॉडी में चला जाता है, फिर आपके पेट में कुछ आ रहा है और आपको पता भी नहीं है क्या हो रहा है, बट 9 मंथ्स तक उसने आपके साथ रहना है, क्या ये आसान है? ये बहुत सारी बातें सच मानिए तो बहुत मुश्किल है, बट क्या हम ये सब कर रहे हैं? क्या हम एजुकेशन देते हैं? क्या बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स पागलों की तरह मेहनत करके वो बॉडी बनाते हैं? तो संसार में तो हम इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं। गड़बड़ क्या हो जाती है कि स्पिरिचुअलिटी में जैसे ही हमें लगता है कि कुछ मुश्किल है तो हमें लगता है ओ इट्स मुश्किल, मे बी इट्स नॉट कंपल्सरी, ये तो ऑप्शनल चीज़ है ना, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। और जहाँ तक मैंने दुनियादारी के एग्जाम्पल दिए, वो शादियाँ करना, वो बच्चे पैदा करना, वो नौकरियाँ करना, वो सब सबको कंपल्सरी लगता है तो क्या हो गया? चलो मुश्किल है, बट इसमें तो चॉइस ही नहीं है ना। तो हम पहली गड़बड़ क्या कर रहे हैं सब लोग एज सोसाइटी, कि हम मन के नियंत्रण या आध्यात्मिक विषयों को मुश्किल समझ के, ऑप्शनल सब्जेक्ट मान के क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। वेरे संसारिक उपलब्धियों के लिए हम हर एक मुश्किल से गुजरने को तैयार हो जाते हैं। कई बार तो एक दुकानदार एक दुकान में पैसा कमा रहा है अच्छा खासा, एक दुकान और खोल लेगा कहीं 100 किलोमीटर दूर, खाने को भी समय नहीं होगा उसके पास ताकि और पैसा कमा सके। तो पहला पॉइंट समझिए कि आप संसार में भी बहुत सारी मुश्किल चीज़ों को अचीव करते हो और उसके लिए बहुत मेहनत करते हो। तो ये बहानेबाजी बंद कीजिए कि भाई मन को नियंत्रण करना मुश्किल है तो चलो भाई फिर टाटा बाय बाय। नहीं तो क्या हुआ, मुश्किल है तो बहुत सारी चीज़ें हमने मुश्किल की हैं, तो एक और मुश्किल चीज़ करेंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मन नियंत्रण में नहीं हुआ तो सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं रह पाओगे। तो भगवान ने ये बात क्लियर कर दी है, निस्संदेह, यानी कि इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन भगवान ने सॉल्यूशन भी दिए, क्या? उपयुक्त अभ्यास, सूटेबल प्रैक्टिस से और वैराग्य से ऐसा किया जा सकता है। दो चीजें भगवान ने कही है, देखिए, सूटेबल प्रैक्टिस, उपयुक्त अभ्यास, दूसरा वैराग्य। एक उदाहरण से समझते हैं, किसी को डायबिटीज हो गई,
वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर दो चीज़ें कहता है, एक कहता है ये गोलियाँ खाना और दूसरा कहता है मीठे से परहेज करना। दो चीज़ें डॉक्टर ने कही, कुछ गोलियाँ खाने को कह दी और परहेज करने को कह दिया मीठे से। यहाँ भी भगवान जी वही बात हमें समझा रहे हैं, सूटेबल प्रैक्टिस जो हमारे शास्त्रों में नियम पालन विधि विधान बताए गए हैं, जिसको गोलोक एक्सप्रेस में बड़ी सरलता से सत्संग साधना सेवा सदाचार के मॉडल में समझाया गया है। जिन डिवोटीज ने ये टॉपिक नहीं समझा है, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू गोलोक एक्सप्रेस यूट्यूब पे इसको टाइप कीजिए, फोर पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, इस टॉपिक को गहराई से समझिए। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे दुनियादारी में लोग बहुत सारे समय फालतू का टीवी या फेसबुक में इंस्टाग्राम में ऐसे ही समय गवा देते हैं, उसकी जगह आप क्यों ना टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोगों की बातें सुनना शुरू कीजिए, जैसे आज आप कर रहे हो। सत्संग कीजिए, उन लोगों के साथ एसोसिएट कीजिए जो भगवान के रास्ते में आपके कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास डिवाइन नॉलेज है। ये स्टेप वन है, ये सूटेबल प्रैक्टिस है, ये वो गोली है जो आपको खानी है रेगुलरिटी से। आपको ये सोचना ही नहीं है ये वर्क कैसे करेगा, आपको बस इतना फेथ रखना है कि अगर बता रहे हैं क्यों ना हम 6 महीने साल प्रैक्टिस करके देखें। तो अगर आपके घर के आसपास भी कहीं सत्संग है और आप इजीली जा सकते हो, प्लीज़ बी पार्ट ऑफ इट। हमने ऑनलाइन मॉडल की बात इसलिए की थी क्योंकि मैक्सिमम लोगों के लिए, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, कोई कैनेडा में रह रहा है, कोई गुड़गांव में रह रहा है, कई बार आसपास कोई सत्संग अवेलेबल नहीं होता, बट आपके पास आपके स्मार्टफोन्स और स्मार्ट टीवीज हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो आप यूट्यूब के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतने अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल गाइड्स भगवान की बातें समझा रहे होते हैं, जो भी स्पिरिचुअल गाइड आपको लगे कि आपको उनकी बातें पल्ले पड़ रही हैं, समझ आ रही हैं। हम ये नहीं कहते हैं आपको गोलोक में आप हमें ही सुनिए भाई, जो भी आपको अच्छा लगता है, बट किसी न किसी स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन को सुनने की आदत डालिए, श्रवण कीजिए। ये पहली सूटेबल प्रैक्टिस है। अगर आपने श्रवण करना शुरू कर दिया, जो आप सुनोगे वैसे ही आपके माइंड घूमे, थॉट्स घूमना शुरू हो जाएंगे। और मैक्सिमम लोग नेगेटिव क्यों हैं, आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है मन, बिकॉज आजकल हम बहुत कुछ गलत पलत सुनते और देखते हैं और फिर बोलते हैं। सत्संग सुना, फिर सेकंड पॉइंट है साधना करनी है, और कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट साधना, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरी पारा, भगवान जी का पवित्र नामों का निरंतर उच्चारण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर आपको किसी भगवान के किसी और रूप में या नाम में श्रद्धा है, या किसी से आपने दीक्षा ले रखी है गुरु महाराज से और उन्होंने कहा है आपको राम राम जपो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय, जो भी प्रभु के नाम में, एक ही हैं भगवान जी, उनके नाम और रूप अनेक हैं, आपको जिस भी नाम में श्रद्धा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रभु का नाम जाप कीजिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट दवाई है, वो आपके फालतू के नेगेटिव थॉट से आपको दूर लेके जाएगी और आपके मन को उत्तम रस देगी। इसके अलावा घर में भोग लगाने की आदत डालिए, भोग नहीं लगा सकते हो तो कम से कम हाथ जोड़ के भगवान को थैंक यू करके खाने की आदत डालिए, है ना, एक बार भगवान का नाम ले लीजिए कम से कम कि भगवान थैंक यू आपने ये दिया, आप ब्लेसिंग देना कि हम आपकी भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, अच्छे इंसान बने, ठीक है। साथ साथ में क्या कर सकते हो, आप व्रतों का पालन कर सकते हो, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, कितने सारे ऑस्पिशियस डेज आते हैं हमारे वैदिक कैलेंडर, उससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और बिकॉज आप मन को एक अटैचमेंट क्या है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, खाना खाना खाना, ठीक है। तो खाने को थोड़ा कंट्रोल करोगे तो क्या होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मन का नियंत्रण बढ़ जाए। तो वैदिक सिस्टम में जो भी चीज़ सजेस्टेड है उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट भी होता है, लेकिन मेंटल हेल्थ बेनिफिट भी होता है और फिजिकल हेल्थ बेनिफिट भी होता है। और उसके अलावा आप मिलके फैमिली से साथ आरती कीजिए, आधा घंटा निकालिए जहाँ फ़ोन से दूर रहना है और सारी फैमिली ने बैठ के आरती करनी है, यूनिवर्सल आरती कर लो, बेशक ओम जय जगदीश हरे आरती कर लो, कोई भी आरती करो जो आपको अच्छी लगती है ना। साधना भी होगी, फिर सेवा भी कीजिए, तन से कीजिए, मन से कीजिए, धन से कीजिए। एक तो अपनी सारी ड्यूटीज़ को सेवा भाव से कीजिए, नंबर टू जगत कल्याण की इतनी सारी ऑप्शंस आपके आसपास हैं, वृद्धाश्रम में जाके हेल्प करो, अनाथ आश्रम में जाके हेल्प करो, ट्री प्लांटेशन के प्रोजेक्ट्स में हेल्प करो, गौशाला में हेल्प करो, है ना, गरीबों की हेल्प करो, सो मेनी वेज यू कैन हेल्प आउट द वर्ल्ड, है ना, जहाँ आपकी रुचि है, जैसे भी आप करना चाहते हो, पर प्लीज़ मेक श्योर
कुछ ना कुछ आपके माध्यम से जगत कल्याण होना चाहिए, तभी आप स्वार्थ के रोग से ऊपर निकल पाएंगे। और किस भाव से? निमित्त मात्र के भाव से, है ना। गोलोक एक्सप्रेस के आप वीडियोस देखते हो, आपको अच्छा लगता है कि कॉन्सेप्ट, ये वीडियो शेयर कर दो दूसरों के लिए, प्रेयर्स कर दो, किसी और को ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करो, सेवा हो गई, सिंपल। सत्संग साधना सेवा और सदाचार, सदाचार इज अपने बिहेवियर में पॉजिटिविटी डेवलप करने की कोशिश करना। अगर आप रेगुलरली सत्संग साधना सेवा करोगे तो आप एक सदाचारी मनुष्य बनोगे। ये सब करते रहने से क्या होता है, सदाचार का एग्जांपल है, देखिए कॉमन कलयुग में हम सबको निंदा करने की एक बीमारी हो चुकी है। ये जो नेगेटिविटी है वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करते हो ना, आप में से बहुत से लोग कहते हैं यार बड़ी नेगेटिविटी है भाई, बिकॉज हर बंदा, दो फ्रेंड मिलते हैं वो तीसरे की चुगली करते हैं, हर समय हम किसी न किसी की बुराई करते जा रहे हैं, अब यहाँ भी बुराई, वहाँ भी बुराई, वहाँ भी बुराई, तो वर्ल्ड में हर जगह नेगेटिविटी, चेन रिएक्शन। गोलोक एक्सप्रेस में ऑन द अदर हैंड हम एप्रिसिएशन लीड्स टू पॉजिटिविटी, चेन रिएक्शन सिखा रहे हैं कि भाई घड़ी जब रुक भी जाती है तो दो बार सही समय दिखाती है। भगवान ने सबको बनाया है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा देखने को है, और अगर आपको नहीं दिख रहा तो कमी आपके अंदर है। क्यों ना आप दोष देखने की जगह सबके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी देखने की कोशिश करो, उनसे इंस्पिरेशन लो, और दोष देखने ही है तो अपने अंदर देखो। तो ये क्या हो गया, ये सदाचारी जीवन हो गया। जब आप ये करते रहोगे, ये होगी सूटेबल प्रैक्टिसेस, इससे मन धीरे 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 नियंत्रण में आएगा। और दूसरी चीज़ भगवान ने कह दी है, वैराग्य करो। किससे वैराग्य करो? जैसे डायबिटीज़ के एग्जांपल से मीठे से परहेज था, तो अगर भगवान की तरफ मन को लगाना है ताकि वो दिव्य हो और वेल बिहेव्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो जो उससे उल्टी हुई चीज़ें हैं जहाँ पे मन भटकता है उससे वैराग्य लाना पड़ेगा। कोई उदाहरण, जैसे कि अभी हमने चुगली का एग्जांपल दिया, तो उसकी आदत डालिए, उससे वैराग्य लीजिए कि मुझे संसार में फालतू से फालतू की बातें नहीं करनी, मीनिंगलेस टॉक्स मैंने बंद कर देनी है। मैंने अपने आप से क्वेश्चन उठाना है कि ये जो बातें मैं कर रहा हूँ इसका मेरी ज़िंदगी से कोई लेना देना है क्या? ये बात करके मैं सुधर जाऊँगा क्या? ये बात करके मैं किसी और को सुधार सकता हूँ क्या? ये बात करके जगत कल्याण हो रहा है क्या? ये बात करके मेरे परमात्मा मुझसे खुश हो रहे हैं? आंसर इज येस, बात करो। आंसर इज नो, बात नहीं करूँगा। तो मैं उन बातों से वैराग्य लाऊंगा, इसको शास्त्र में प्रजल्पा कहते हैं। मीनिंगलेस बातें करके हम बिना बात के घरों में झगड़े या वर्कप्लेस में झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। और किससे वैराग्य लाना है? देखो बुरी आदतें भी तो बहुत सारी हैं ना हमारे अंदर, ज़रूरत से ज़्यादा फालतू भोग विलास पे पैसा खर्च रहे हैं, कपड़े पड़े हैं फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग कर करके भरी जा रहे हैं हम अपने वार्डरोब्स को, तो वैराग्य लाइए भाई, ज़रूरत की ज़िंदगी जीए, ठीक है थोड़ा कंफर्टेबल रहिए बट थोड़ा सा उसमें लिमिट लाओ ना कहीं, तो वो वैराग्य हो गया कि आपने ज़रूरत के हिसाब से जीवन जीना शुरू कर दिया, नीड बेस्ड लिविंग पे फोकस किया आपने। आपको आदत पड़ गई थी कि मैंने अल्कोहल लेनी है, तब तो मुझे नींद नहीं आती थी, अब आपने आदत डाली कि मैं प्रभु का नाम जपूंगा, फैमिली का कीर्तन करूंगा, रात को सोने के समय फैमिली बैठ के एक रामायण का एपिसोड देखेंगे, मैं अल्कोहल नहीं पीऊँगा, तो आपने क्या किया, आपने जो चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं आपके मन के नियंत्रण को उससे भी बचना शुरू हो जाओ। जैसे अगर आप एक तरफ आग लगाना चाहते हो, दूसरी तरफ अगर आप पानी डाल दोगे तो आग नहीं जल पाएगी। तो एक तरफ हम सत्संग साधना सेवा सदाचार करेंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, यानी कि प्योरिटी की आग लगेगी, तो दूसरी तरफ जो हम पानी फेंक देते हैं उसको भी धीरे धीरे घटाना है। पानी क्या है? विपरीत गतिविधियाँ, बिना मतलब की बातें, बुरी आदतें, नॉनवेज ईटिंग, किसी और को छल कपट, चीटिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ को हमें जीरो नहीं कर पा रहे हो तो इसको ग्राफ से घटाना है। तो सत्संग साधना सेवा का ग्राफ अगर बढ़ता रहे और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, गोलोक एक्सप्रेस की भाषा में हम कहते हैं जो समय बर्बादी है, अपना भी नुकसान दूसरों का भी नुकसान जगत कल्याण, उन सारी एक्टिविटीज़ को जिसको हम टाइम पास के लिए कर लेते हैं उसको धीरे धीरे अपने जीवन में घटाइए। जैसे आज एक कॉमन एक्टिविटी सब करते हैं कि फ़ोन पर बैठ के वीडियो गेम्स खेलते रहे, वट इज़ द पर्पज़? क्या करोगे आप? फादर अच्छे बन जाओगे वीडियो गेम खेल के? मदर अच्छे बन जाओगे? अच्छे प्रोफेशनल बन जाओगे? अच्छे इंसान बन जाओगे? क्या अचीव कर रहे हो आप? यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप से सवाल उठाइए कि क्या मेरी लाइफ का पर्पज़ यही है कि मैं आऊँ और बस एक दिन ख़त्म हो जाऊँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से वैराग्य भी लाना है, साइमल्टेनियस प्रोसेस चलेगी। जो ये करता रहेगा धीरे धीरे भगवत कृपा से उसका मन उसके वश में आना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे आपने ये वीडियो देखा और कल से आपने ये पॉइंट पकड़ लिया कि यार जो मैं रात को बैठ के ना एक घंटा वीडियो गेम देखता हूँ, दैट्स इट, मैं वो नहीं करूँगा, वीडियो गेम खेलता हूँ,
उसकी जगह मैं 15 मिनट्स डिवोशनल वीडियोस देखूंगा, 15 मिनट्स से मैं एक माला करूंगा और 15 मिनट्स में अपने बच्चों के साथ बैठ के उनकी लाइफ में चल क्या रहा है थोड़ा उनकी बातें सुनूंगा, ठीक है। और 15 मिनट्स जो है वो मैं ऐसा करूंगा कि बगल में जाके वाइफ के साथ थोड़ी सी वॉक करके आ जाऊंगा, साथ में टेलीकाउंटर पे जॉब कर लूंगा। आपने एक घंटा जो वीडियो गेम वाला था यहाँ शिफ्ट कर लिया, आप और कुछ चेंज नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में, तो क्या हो गया, ये समझ लीजिए कि आपने मन को नियंत्रण करने में एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। फिर अपने आप को शाबाशी भी दीजिए, ये मत सोचिएगा कि आपने आज एक वीडियो सुन लिया तो आपने एक हफ्ते के बाद मन नियंत्रण कर लोगे, ऐसा नहीं हुआ है भाई आज तक हिस्ट्री में और ना हो पाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे बदलावों में अपने आप को बीच में थपथपी कीजिए, यस वेल डन, यू डन इट वेल। फिर एक और, अब ये चीज़ आपने दो महीने पकड़ ली, दो महीने करते रहे, फिर एक और चीज़ पकड़ो कि अच्छा रात वाला वो एक घंटा तो पकड़ लिया मैंने, बट जो मैं काम की ब्रेक में भी कहीं ना कहीं एक घंटा बर्बाद करता हूँ फालतू की बातें करने में, अब मैं उसकी जगह उसको चेंज करूँगा। फिर एक दो महीने उसमें सक्सेस को प्राप्त कीजिए, तो मन नियंत्रण में हुआ, फिर एक और चीज़ पकड़िए। धीरे धीरे ऐसे करेंगे तो आप पाएंगे कि दो चार सालों में एक सब्सटेंशियल लेवल पे आपका मन नियंत्रण में आ जाएगा, और इसका ये मतलब है कि आप बहुत ही पीसफुल, हैप्पी, पॉजिटिव लाइफ लीड भी कर रहे होगे, एंड आई कैन श्योर यू अब बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन चुके होगे। श्रीमद् भागवत गीता की